नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू ले चलते हुए, तो कहाँ पहुंच गए हैं। आज हम लोग पहुंच गए 92 संविधान संशोधन 2003, ठीक है, यानी 92 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2003, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या हुआ, एक एक करके चर्चा करेंगे, अच्छे से विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है चैनल तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो 92 संविधान संशोधन में बात क्या कही गई, जो संविधान संशोधन है किससे जुड़ा हुआ, भाषा से संबंधित है, यानी लैंग्वेज से संबंधित है। संविधान संशोधन किससे संबंधित, भाषा से संबंधित है, किससे, भाषा से संबंधित, ठीक है। इसमें बताया क्या गया कि हमारे जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, किससे संबंधित है, भाषा संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा जोड़ी गई, यानी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। एक लिख लो बोडो, यानी जो पहली भाषा जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, बोडो। दूसरी भाषा डोगरी, डोगरी, ठीक है। और तीसरी भाषा मैथिली, मैथिली। और चौथी जो भाषा जोड़ी गई है, चौथी भाषा जो जोड़ी गई है वो कौन सी है, संथाली, ठीक है, संथाली। क्या हुआ कि जो 92 संविधान संशोधन है इसमें क्या बताया कि जो हमारे 8वीं अनुसूची है उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ा गया। वो क्या था, यानी ये जो 4 भाषाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 92 संविधान संशोधन था। लेकिन इतिहास से हमें समझना ना कि हमारे जब संविधान बना ये संशोधन होकर जुड़ रही, यानी जो प्रारंभ में जब संविधान बना तो उस समय कितनी भाषाएं थी। तो देखो भैया, जो हमारे यहाँ आप सभी को पता होगा कितनी 8 अनुसूची है, प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। जब संविधान बना तो प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। और जो 8वीं अनुसूची थी किससे संबंधित, भाषा से संबंधित थी, यानी भाषा से संबंधित थी, ठीक है। और जो भाषा संबंधित थी, और जो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, यानी हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उस समय कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। यानी सीधी सी बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बन के तैयार हुआ उसमें कितनी अनुसूची थी भैया, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। जब 8 अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची जो थी भाषा से संबंधित थी, किससे संबंधित थी, भाषा से संबंधित थी। और उस समय यानी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, ठीक है, 14 भाषा हुई। और आज वर्तमान में जब ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली बन के तैयार हुई तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं भैया, 22 भाषाएं, यानी जो 22 भाषाएं हैं तो कितनी जुड़ी है, 8 भाषाएं जो जुड़ी है। ये 8 भाषाएं कब जुड़ी हैं, कब कब जुड़ी हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो तो हमने संविधान संशोधन सारी बता दिया, एक जब जब जुड़ी है मैंने बताया, लेकिन हो सकता है बहुत से बच्चों ने नहीं देखा है तो उनके यहाँ रिविजन के लिए भी देखो। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो देख लो, 21वां संविधान संशोधन बाय अखिलेश सर, 71वां संविधान संशोधन बाय अखिलेश सर, ठीक है। तो देखो दो और संविधान संशोधन है, जो 21वां हुआ यानी 21 जो संविधान संशोधन हो, 21 ठीक अमेंडमेंट हुआ संविधान का, संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ, सिंधी भाषा को, जो सिंधी भाषा है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये कौन सी भाषा बन के तैयार हुई, जो सिंधी भाषा थी इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ये 15वीं भाषा, कौन सी, 15वीं भाषा बनी, ठीक है। यानी हमारे संविधान की 15वीं भाषा कौन बनी, सिंधी भाषा बनी। कौन बनी, सिंधी भाषा बनी। किस संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी भाषा बनी, सिंधी भाषा, कौन सी बनी, तो 15वीं भाषा बनी। उसी के बाद एक और अमेंडमेंट होता है भाषा से संबंधित, जो 71वां संविधान संशोधन था। 71वां संविधान संशोधन कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन, जिसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई भैया, तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई भैया, तो इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई, इसमें भैया 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है।
इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें भैया तीन भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ आई? ठीक है, अगर इतनी भाषाएं समझ में आई तो हम देखते हैं कि वो तीन भाषाएं कौन सी थी। जो अब हमें देखना है कि वो जो तीन भाषाएं जोड़ी गई, ये जो तीन भाषाएं जोड़ी गई तो कौन थी? देखो पहली तो लिख लो कोंकणी, कोंकणी 71 कोंकणी। ठीक है, दूसरी लिखो मणिपुरी, मणिपुरी। और तीसरी लिख लो नेपाली, नेपाली। देखो अभी जो आरओ का एआरओ को पेपर हुआ 5 दिसंबर को, उसमें भाषाओं से संबंधित लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? कोंकणी जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और नेपाली जोड़ी गई। उसके बाद जो 92वें संविधान संशोधन है उसमें कौन कौन सी जोड़ी गई? जो 2003 हुआ, बोडो डोंगरी सैंथाली और मैंथा मैथिली। ठीक है, बोडो डोंगरी सैंथाली और मैथिली, ये चार भाषाएं कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन 2003 में। और जो कोंकणी मणिपुरी नेपाली थी, तीन भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। साथ ही साथ 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो भाषा जोड़ी गई थी भैया सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, यानी जो 15वीं भाषा के रूप में बनी। तो यही था संविधान संशोधन में भाषाओं का पूरा विस्तार से जानकारी। आई होप ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को 2-3 बार रिवीजन करो और यहां से क्लियर करो। आज के बाद तुम कसम खा लो कि तुमसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।